दोस्तों आज हम सबमीटर कनेक्शन करना सीखेंगे, इसलिए हम पहले सबमीटर का कवर को खोल लेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं सबमीटर में वायर कनेक्शन करने के लिए चारों टर्मिनेट दी हुई है। इसमें से बाएं तरफ दो टर्मिनेट फेज न्यूट्रल इनपुट के लिए और दाहिने तरफ दो टर्मिनेट फेज न्यूट्रल आउटपुट के लिए। तो पहले हम इनपुट फेज को बाएं तरफ फर्स्ट टर्मिनेट में कनेक्शन कर लेंगे, उसके बाद इनपुट न्यूट्रल वायर को हम सेकंड टर्मिनेट में कनेक्शन कर लेंगे। आप इन स्क्रू को अच्छे से टाइट कीजिए, नहीं तो लूज कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। अब हम आउटपुट फेज वायर को कनेक्शन करेंगे। दोस्तों इनपुट फेज वायर को हमने बाएं तरफ फर्स्ट टर्मिनेट में कनेक्शन किया है और न्यूट्रल वायर को हमने सेकंड टर्मिनेट में कनेक्शन किया है। दोनों न्यूट्रल वायर को बगल में ही रखना पड़ेगा और दोनों फेज हमेशा दूरिया में ही रहेगा, इसलिए हम आउटपुट फेज वायर को फोर्थ टर्मिनेट में कनेक्शन कर लेंगे। अब हम आउटपुट न्यूट्रल को इनपुट न्यूट्रल के पास में ही कनेक्शन कर लेंगे। तो दोस्तों यह हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम मीटर का कवर को सेट करके मीटर में लाइन चार्ज करके देखेंगे। तो यह हम देख सकते हैं मीटर में लाइन आ गया है। अब हम इसमें लोड कनेक्शन करके देखेंगे। तो यह हम देख सकते हैं लोड भी चल रहा है।